हथौड़ा और चार दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा करके जे तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ कई अन्य बीजेपी के नेता भी राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और साफ तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सरकार तुगलकी सरकार है और यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, बिहार में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। बेगूसराय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चार दर्जन से अधिक हिंदुओं को मामले में फंसा कर बिहार में जेल भेज दिया गया। वहीं एक तरफ शिक्षा विभाग का यह फरमान आया है कि दुर्गा पूजा में शिक्षकों की छुट्टी नहीं होगी, उन्हें आवासीय ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। इसको लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए गिरिराज सिंह, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। बिहार के राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे ये तुगलकी हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है, हमारे हथौड़ा और चार दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा करके जे तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार को छुट्टी देते जब मुस्लिम का कोई भी धर्म आता, जुम्मा आता तो ये छुट्टी देते, लेकिन हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करते। ये तुगलकी फरमान और बिहार में बेगूसराय में लव जिहाद के मामले पूरे बिहार में बेगूसराय में जोरों पर है। सरकार के संरक्षण में पीएफआई भले बैन लग गया हो, लेकिन लालू नीतीश के राज में पीएफआई हर जिले में अपना फैलाव कर रहा है। इसलिए मुझे आप न्याय दिलाएं, ये कट्टरपंथी तुगलकी सरकार हो गई है, ये सोचती है कि मुसलमानों का वोट लो और हिंदुओं को जात में बांटो कि हिंदुओं अब तुम एक हो और अपनी रक्षा करने के लिए खुद एकजुट होकर के खड़ा हो इस तुगलकी सरकार के आगे। बहुत बहुत आखिर जब ये यहाँ के महागठबंधन की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, तो पूर्णिया कटिहार किशनगंज में अगर झंडा जला रहा है, इसकी जिम्मेदारी इस तुगलकी सरकार, नीतीश सरकार, लालू सरकार के ऊपर। अभी आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना किस तरीके से नीतीश सरकार को तुगलकी सरकार बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है। एक तरफ तो मुसलमानों के हर त्यौहार में छुट्टी रहती है, यहाँ तक कि शुक्रवार को जुम्मे के दिन भी छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कल से दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है फिर भी शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग पे क्यों भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी इस सरकार को सत्ते से हटाया जा सकता है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए गिरिराज सिंह, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।